8-10 काजू लिए हैं, और साथ में ही लिए मैंने यहाँ पर किशमिश। किशमिश को मैं धो करके और पानी में भिगो देती हूँ लगभग 5 मिनट के लिए। नमस्कार, क्रिएटर शशि चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हरा भरा पुलाव, जो देखने में बहुत सुंदर है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर पुलाव बनाने के लिए मैंने एक बाउल भरकर चावल लिए है, जिसे मैं धो करके और 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देती हूँ। पुलाव में डालने के लिए 8-10 काजू लिए हैं, और साथ में ही लिए मैंने यहाँ पर किशमिश। किशमिश को मैं धो करके और पानी में भिगो देती हूँ लगभग 5 मिनट के लिए। मैंने जो काजू लिए थे उसको मैंने इस तरीके से 2-2 पीसों में कर लिया है। यहाँ आप जैसा देख पा रहे हो, मैंने लिया है टमाटर, हरी मिर्ची, पालक, धनिया, गाजर, और लिया है मैंने यहाँ पर सुबह की जो हमारी सब्जी बची हुई थी वो भी मैंने यहाँ ली हुई है, मटर और आलू की। कितनी कितनी वेजिटेबल लिए ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के चेक। मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ और गैस पर चढ़ा देती हूँ कुकर, तो यहाँ मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर हम कुकर में 1 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पर ऑयल डालेंगे, और साथ में ही मैं यहाँ डालूंगी इसमें 1 चम्मच देसी घी। देसी घी से इसका टेस्ट और भी अच्छा निकल कर आता है, तो यहाँ मैंने 1.25 चम्मच यहाँ पर मैंने इसमें घी भी मिला दिया है, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो ये सारी चीजें हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाली है, एनर्जी ही देने वाली है। घी हमारा गर्म हो गया है, तो चलिए मैं इसमें जो हमने काजू लिए हैं उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। मैंने यहाँ काजू को फ्राई करके निकाल लिया, ये हल्के पिंक होने तक मैंने इसको भूना है। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें 1/2 चम्मच में यहाँ पर इसमें जीरा डाल देती हूँ। हल्की सी मैं यहाँ पर हींग डालूंगी ताकि चावल हमारे गैस ना बनाए, इसलिए मैंने यहाँ पर हींग भी डाल दी है। अब मैं डाल देती हूँ जो हमने गरम मसाले के लिए लिया हुआ है, लौंग, इलायची, और ये सारी चीजें जो मैंने गरम मसाले के लिए यूज करना है उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगती है। गैस को हमने सिम पर ही रखा हुआ है, तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को भून लेंगे, हरी मिर्ची यहाँ पर हमारी भून गई है। अब मैं डाल देती हूँ इसमें टमाटर। टमाटर को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमें, क्योंकि टमाटर खड़े खड़े ही रखने हैं, तो इसी इतना ही हम भूनेंगे इसको। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें गाजर, जो हमने गाजर लिए, 1 गाजर लिए मैंने यहाँ पर, जिसको मैंने काट लिया था। थोड़ा सा हम गाजर को भी फ्राई कर लेते हैं। पालक को भी हम इसमें अच्छे से चला लेते हैं। अब मैं डाल देती हूँ इसमें जो हमने सब्जी ली हुई है वो भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट हमने जो ये सारी सब्जियां ली है उसको हमने फ्राई कर लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने चावल लिए हुए हैं। यहाँ चावल भी हमारे अच्छे से फूल कर तैयार हो गए हैं, तो मैं चावल भी इसमें डाल लेती हूँ। चावल को मिक्स कर लेंगे इसमें, और ये देखिए कितना सुंदर लगने लगा है अभी से ही। एक मिनट फुल फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ हमें चावल को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है, और जो सब्जी में पानी था वो भी अच्छे से सूख चुका है। अब मैं डाल देती हूँ इसमें ये जो हमने काजू लिए हुए हैं, और साथ में ही डाल दूंगी मैं इसमें जो किशमिश थी। काजू मैंने डाल दी है, किशमिश भी यहाँ मैं डाल देती हूँ। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल देती हूँ, एक बार चला लेती हूँ, फिर उसके बाद में बचा हुआ पानी भी मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा बचाया था मैंने पानी, वो भी इसमें लग जाएगा, इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें नमक। यहाँ हमें नमक स्वाद के अकॉर्डिंग ही डालना है, तो मैं यहाँ पर लगभग 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। फ्रेंड, यहाँ पर हमारा हरा भरा पुलाव, फ्रेंड्स यहाँ पर
आपको देख लेना है कि जो हमने चावल लिए हैं उससे यहाँ पर हमारा आधा इंच पानी ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने उतना ही डाला है, इसमें एक गिलास पानी ही डाला है। तो मैं अब लगा देती हूँ ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद में हमें इसे लगा दिया है और हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। लेकिन एक बार मैं इसे फ्लेम को तेज करके इसमें थोड़ा प्रेशर बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कुकर में प्रेशर बन गया है, तो मैं गैस को सिम पर कर देती हूँ और इसमें हम दो सीटी ही लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं यह गैस को कर देती हूँ ऑफ, और क्योंकि इसमें दो विसल आ चुकी है जो शूट होने से रह गई है, तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हम 5 मिनट के लिए इसका प्रेशर ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल चुका है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, इसका प्रेशर निकल चुका है और अब मैंने इसको कर लिया है ओपन। ओपन करने के बाद में ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, रंग बिरंगा हमारा। तो हम इसको 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कलरफुल पुलाव, देखते ही खाने को मन ललचा रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? रंग बिरंगे मस्त कलरफुल पुलाव की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, चलिए लगा लेते हैं प्लेट और आप भी आ जाइए और मेरे साथ लंच कर लीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, काफी अच्छा इसमें खुशबू भी आती है और टेस्ट भी इसका अच्छा लगता है। तो बाकी का बचा हुआ धनिया भी मैंने यहाँ पर कुकर में जो हमारे चावल बचे हुए थे उसमें डाल दिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा पुलाव है, इसको देखते ही खाने का मन। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ लंच के लिए हमारी प्लेट लगकर रेडी हो गई है, तो आप भी टेस्ट कर लीजिए और पसंद आए रेसिपी तो इसे आप भी ट्राई कीजिए और बनाइए और खाइए, और अपने अनुभव मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो पर बने रहने के लिए। 2022 को बाय बाय, 2023 का वेलकम।